Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum dear students and good morning to all of you. This is your class of biology for class 8, right? Acha to hum apna lecture bhi shuru karenge. Dear students, aapne agar aas paas apni nazar dodai ho तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि हमारे साथ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे साथ जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो पाए जाते हैं और उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम अगर इंडिविजुअली स्टडी करना चाहें तो उनकी स्टडी जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी हमारे लिए क्योंकि उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक दूसरे से साइज कलर ग्रोथ उसकी रिप्रोडक्शन उसका हैबिटेट का प्रोसेस ये सारे एक दूसरे से मुख्तलिफ है तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हमने अपनी आसानी के लिए इसको ऐसे हमने क्लासिफाई किया है इन ऑर्गेनिजम्स को ताकि हम इसको इजीली पढ़ सकें और इसको इजीली समझ सकें तो इसी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने बायोलॉजी एज अ साइंस सब्जेक्ट का सहारा लेते हुए इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है ठीक तो बायोलॉजी में इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और इसको हम शुरू करेंगे इसके फर्स्ट चैप्टर से जिसको हम कहते हैं यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 1 जो है वो है अबाउट इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में जाने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि बायोलॉजी का जो वर्ड है ये फर्स्ट टाइम यूज किया था एक साइंटिस्ट ने इन 1736 जिसका नाम था कार्ल लीनियस इसने इस वर्ड को यूज किया फॉर द फर्स्ट टाइम मतलब बायोलॉजी के वर्ड को फर्स्ट टाइम यूज किया 1736 में कार्ल लीनियस ने ठीक अब बायोलॉजी का जो वर्ड है इसका मतलब क्या है बेसिकली जो बायोलॉजी का वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से निकला है टू ग्रीक वर्ड से निकला है और ये उन दो वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है एक फर्स्ट वर्ड जो है उसको हम कहते हैं बायो और बायो का मतलब है लाइफ बायो मींस लाइफ इसका जो दूसरा वर्ड है वो है लोगो और लोगो का मतलब है मींस टू स्टडी और डिस्कोर्स तो इन दोनों वर्ड्स को जब हम यकजा करते हैं या इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं तो इससे बनता है इसका डिफिनीशन जिसको हम जिस तरह से डिफाइन करते हैं बायोलॉजी को कि साइंस स्लैश स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी इसका मतलब यह है कि जिंदगी के मुतालिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जिंदगी के मुतालिक स्टडी को हम कहते हैं बायोलॉजी तो इन दो वर्ड्स की कॉम्बिनेशन से इसका डिफिनेशन बन गया स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी जानदार अशिया की जो जिंदगी है उसके बारे में पढ़ने को हम कहते हैं बायोलॉजी फिर बायोलॉजी जो है क्योंकि ये एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग फील्ड ऑफ साइंस है और इसमें हमारे साथ कॉन्टीन्यूसली कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो टाइम के साथ साथ डिस्कवर्ड होते रहते हैं जो अभी डिस्कवर्ड नहीं हुए तो बायोलॉजी को बायोलॉजी में उन ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करने के लिए बायोलॉजी के 3 मेजर डिविजन्स हैं हमारे साथ 3 मेजर डिविजन्स हैं जो पहला इसका डिविजन है उसको हम कहते हैं बॉटनी और बॉटनी का मतलब है स्टडी ऑफ प्लांट्स बॉटनी का मतलब है स्टडी ऑफ प्लांट्स मतलब प्लांट्स के मुताबिक जो है स्टडी को हम कहते हैं बॉटनी और प्लांट्स भी हमारे साथ जो है वो मुख्तलिफ किस्म के हैं कुछ छोटे पौधे हैं कुछ फूल है कुछ बड़े साइज के हैं मुख्तलिफ किस्म हजारों किस्म की हमारे साथ प्लांट्स हैं तो उन सारे प्लांट्स को हम स्टडी करते हैं बॉटनी में दूसरा जो इसका मेजर डिविजन है वो है जूलॉजी जूलॉजी का जो ये वर्ड है ये निकला है जू से और जू का मतलब है एनिमल और लॉजी इसको कहते हैं स्टडी को जो पहले हमने डिस्कस किया लोगों में तो जूलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ एनिमल्स मतलब एनिमल्स के मुतालिक जो स्टडी है या एनिमल्स के बारे में पढ़ने को हम कहते हैं जूलॉजी और इसका जो तीसरा मेजर डिविजन है उसको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो का वर्ड जो है ये यूज होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए जिसको हम कहते हैं माइक्रोब्स और माइक्रोब्स बेसिकली हमारे साथ वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आम आंखों से वो दिखाई नहीं देते मिसाल के तौर पर इस रूम में मैं खड़ा हूँ तो यहाँ पे बैक्टीरियाज वगैरह होंगे लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं तो ये माइक्रोब्स है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं
तो इनको हम फिर स्टडी कैसे करेंगे अगर ये आंखों से दिखाई नहीं देते तो इसको स्टडी कैसे करेंगे और इसको हम देखेंगे कैसे, ये एक सवाल जहन में आता है। लेकिन पहले माइक्रोबायोलॉजी है क्या? माइक्रोबायोलॉजी का मतलब ये है कि स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो छोटी सी छोटी जानदार अशिया है उनकी स्टडी को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी, उनको हम स्टडी करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। और इसमें हमारे साथ एग्जाम्पल के तौर पे इसमें हमारे साथ है बैक्टीरियाज है, वायरसेस है और माइक्रोस्कोपिक फंजाई है। अब मैंने जैसे आपको कहा कि ये तो हम आम आंखों से नहीं देख सकते तो इसको हम कैसे देखेंगे, आगे आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसको। तो मैं अभी से आपको ये बताता चलूँ कि इसको हम स्टडी करते हैं थ्रू माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या है, वो कैसे काम करता है और कैसे हमें ये माइक्रोब्स जो है उसके ज़रिए से दिखाई देते हैं। तो ये तो था इसके तीन मेजर डिविजन्स के बारे में। फिर इसके बाद जो है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि बायोलॉजी जो है ये इसमें ये ग्रोइंग फील्ड ऑफ साइंस है, मतलब दिन ब दिन इसमें जो है नई नई चीज़ें आती रहती है वो, और वो इंक्लूड होती जा रही है। तो वो चीज़ें अगर लेट सपोज एक चीज़ हमने पहले से डिफाइन कर दी और कोई नई चीज़ आ गई तो उसको हम कैसे फिर बायोलॉजी में स्टडी करेंगे। तो मुख्तलिफ जो जानदार चीज़ें हैं या उससे रिलेटेड जो कुछ चीज़ें हैं तो उन सारों को स्टडी करने के लिए फिर इसके बाद इन तीन मेजर डिविजन्स के बाद इसकी है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हमारे साथ तो ब्रांचेस तकरीबन 14-15 तक आपके बुक में दिए गए हैं, लेकिन इससे हट के और भी है, बट ये जो 13-15 दिए गए हैं ये आपको लाजमी तौर पर आने चाहिए। पहला जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। और मॉर्फोलॉजी, व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साइज, उसके शेप और उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। और इसका जो सेकेंड ब्रांच है एनाटॉमी। एनाटॉमी कहते हैं स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी को हम कहते हैं एनाटॉमी। मिसाल के तौर पर आप ह्यूमन बॉडी को लेते हैं तो ह्यूमन बॉडी के अंदर हार्ट है, लिवर है, किडनी है, पैंक्रियाज है, लंग्स है, ये हमें कैसे पता चला है? ये हमें एनाटॉमी स्टडी करने के बाद हमें पता चला है। इसी तरह हमारे साथ एनिमल्स की भी एनाटॉमी है कि एनिमल के बॉडी के इनसाइड कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, तो उसको हम स्टडी करते हैं एनाटॉमी में। ठीक, तो आज के लिए आपका ये लेक्चर एनाटॉमी तक ही था और इसकी मैं आपको एक ब्रीफ समरी दूँ। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, उसमें हमने डिस्कस किया कि बायोलॉजी का मतलब क्या है। तो बायोलॉजी को मैंने डिफाइन किया कि ये स्टडी ऑफ लाइफ है। फिर इसके थ्री मेजर डिविजन्स हैं, बॉटनी है जो स्टडी ऑफ प्लांट है, जूलॉजी है जो स्टडी ऑफ एनिमल्स है, एंड माइक्रोबायोलॉजी है जो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया इसके ब्रांचेस। ब्रांचेस में हमने दो ही ब्रांचेस डिस्कस किए, एक ब्रांच का नाम है मॉर्फोलॉजी जिसमें हम फॉर्म, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, और दूसरा जो है एनाटॉमी, और एनाटॉमी में हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। सो ये था आपका फर्स्ट लेक्चर और होपफुली कि आप इसको रिवाइज करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसमें अगर कोई डिफ़िकल्टी हो या आपका जहन में कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडेज़ लेक्चर।